तो हकीकत क्या है ये सामने आनी बेहद जरूरी हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से एक पिता का दर्द सामने आया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि वो कट्टरपंथी सोच कब बदलेगी जो कि बेटियों के विकास में, जो कि बेटियों पर अत्याचार के तौर पर सामने आती है, ना कि किसी मिसाल के तौर पर सामने आती है। आबिद साहब जल्द, क्योंकि आपका जवाब यहां पर रह गया था, इसलिए जल्द आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा ये तस्वीर यूं ही आती रहेगी। अब सच है झूठ है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रही हूं अगर ये सच है, जांच पड़ताल का विषय हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए शबीना, इस्लाम जो है वो बहुत सरल और बहुत आसान मजहब है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बहुत अच्छी ऐसी तालीम दी, एक जुमले में आपने ये बता दिया कि जब दो रास्ते हों तो जो आसान हो लेकिन उसको अमल में लाओ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम की बुनियाद से हट करके उन चीज़ों को जायज़ कर लें जिनको इस्लाम रोकता है। अभी अंबर ने एक मिसाल दी बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी लगी उन्होंने जब वो कही थी कि साहब देखिए जो लोग पैसे वाले होते हैं, जो बहुत मालदार हो जाते हैं, वो दीन और धर्म को ज़्यादा मानते नहीं हैं। तो ये मुसलमानों में हो, ये मुसलमानों में हो, या हिंदुओं में हो, या ईसाइयों में, मालदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो धर्म को नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है कि अंबर, अंबर मुझे बात तो कहने दीजिए ना, अब बीच में अच्छा बाद में कर लेना ना बाबा। अरे आपको टाइम मिलेगा ना जब आपकी बारी आएगी, जब आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के, मैंने अरे आप उस वक्त लगा मेरे मुंह में वर्ड्स आ रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी उसको, वो रिकॉर्ड में आ गया है। नहीं, नहीं, आप बदल लीजिए अगर आपको झूठ बोलने का, मैं एक्सेप्ट कर लूं। मैंने ये बोला है कि वो पढ़े लिखे लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो चीजें खुद समझते हैं, उन पे आप लोगों का बस नहीं चलता। गरीब लोग जो बिना पढ़े लिखे उन पे आप अपनी सत्ता चलाते। अच्छा चलिए आप इन लफ्जों में कह लीजिए बात, मुझे अपने लफ्जों में कहने दीजिए। देखिए शबीना, बात ये सही है कि जो बहुत मालदार और खुशहाल तबका होता है वो दीन और धर्म को बहुत ज्यादा नहीं मानता, चाहे वो मुसलमानों में हो, ऐसा हम रोजाना सुबह शाम तक देखते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैंने 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 इस्लाम के अलावा और धर्मों की जो पिछली तारीखें हैं वो भी पढ़ने की कोशिश की है। यही बात हकीकत भी है कि जब भी दुनिया में ऋषि मुनि पैगंबर पीर आए हैं, गरीब लोगों ने पहले उनका साथ दिया है, दौलतमंद बहुत बाद में उनके साथ धर्म के रास्ते पकड़े हुए हैं, और आज भी है। इसलिए पेट भरा हुआ जब हर वक्त होता है तो आदमी को खुराफात हर वक्त सूझती है, फिर वो खुराफात की तरफ आता है, फिर वो खुराफात की तरफ ज्यादा बढ़ता है। अरे अरे इक्का दुक्का मिसालों पे जो है आम फैसले नहीं होते, चिल्लाने से नहीं होता। अरे अंबर, एक दो मिसालों से आम फैसले नहीं होते, अपने इल्म को सही करिए। दूसरी बात शबीना, शबीना देखिए, कोई पिता हो माता हो उनको कोई कष्ट देना किसी भी तरह से किसी गैर इस्लामी काम में, लेकिन अगर कोई ये कहे कि साहब इस्लाम के अपने आप मामलात को या एक मुस्लिम कल्चर जो आपका अपना है उसे मुझे मेरे रंग में रहने दीजिए, तिवारी जी अपने रंग में रहे, अंबर अपने रंग में रहे, आप अपने रंग में रहे, फिर हम मिलके हिंदुस्तानियत को जिंदाबाद करें, हिंदुस्तानियत को मजबूत करें, तो बात बनती है। ये सोच का बदलाव यहाँ नजर आता है, वैसे नजर नहीं आता है। अतीक रहमान साहब, सोच का बदलाव सिर्फ बातों में नजर आता है, उसके अलावा नजर नहीं आता है। प्रैक्टिकल में आप देखिए आकर के, सिर्फ बातों में नहीं, नहीं आता है, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। दो दिन बाद फिर बैठे होंगे हम किसी फतवे का लेकर, एक महिला के खिलाफ आएगा, एक हफ्ता हम साथ मिलकर, दो दिन बाद फिर बैठे होंगे, एक महिला के खिलाफ फतवा आएगा, फतवा आएगा, हम फिर बैठे होंगे। नहीं बाबा, नहीं आएगा, आना होगा सर, यही तो है, यही तो गलत है। ऐसी नौजवान मुसलमान बच्ची अगर फतवे की लड़ाई से नहीं समझ सकती तो मैं जान सकता हूँ, बोलिए बोलिए आपके बारे में, एक आदमी की राय को एग्जाम्पल मिली और जब हर चीज मेरे बाकी मेहमान भी खामोश है ना, कोई फायदा नहीं। एक सेकेंड आबिद साहब, आबिद साहब आप जो बता रहे हैं उनको अच्छे लफ्जों में भी बताया जा सकता है, पहुंचा रहे। इनको हम प्रोग्रेसिव हिंदू या मुस्लिम कहते हैं इसलिए कि ये धर्म की उन बातों को जो कि धर्म के बुनियादी उसमें नहीं है उनको मानना छोड़ देते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ये प्रोग्रेसिव हिंदू या प्रोग्रेसिव मुस्लिम या प्रोग्रेसिव जो भी है। दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूंगा
कि यहाँ पर इनटॉलरेंस का मामला है, और ये इनटॉलरेंस का मामला साबित हो जाता है कि दोनों तरफ है। जब हम देखते हैं कि गोविंद पंसारे, गौरी लंकेश और कालापुरकी जैसे लोगों को किन लोगों ने मारा है, ये इन लोगों को रेस्टलेस कहते हैं, कहीं पर ले जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं तो किससे जोड़ कर दे रहे हैं, यही दिक्कत आती है। इसलिए तय हो जाता है कि माया सिंह जी समाज की तस्वीर ऐसे तो बदलने से रही। आप अपने धर्म अपने ऊपर रखने दो, हमारे ऊपर मत डालिए। ध्यान रखिए कि जो माया सिंह जी अभी साहब नहीं उनको छोड़ दे, नहीं अभी साहब बात करने दीजिए माया सिंह जी अपनी बात उसको गलत है। जिसकी आप लोग अभी कहता है कि लोगों को मार दीजिए, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई फतवा जारी हो गया उस बच्ची से हिसाब से, उस बच्ची ने आपके इस्लाम की इज्जत रखी, मान लिया, डाला, क्या इज्जत रह जाती है आपके उन फतवों की जिनके खिलाफ आप बड़े जो सक्षम लोग होते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं वो मानते नहीं है। जैसा त्रिवेदी जी ने कहा कि आपने क्या बिगाड़ लिया शाहरुख खान का, क्या बिगाड़ लिया आमिर खान का, आपके फतवे की क्या इज्जत रह गई, आप साबित करें। नहीं इज्जत कहाँ रह गई आपके, जब तक सोच के हिसाब से चले तो सब बढ़िया, सब बढ़िया। जिस बात की राय को फतवा नहीं कहा जाता, फतवे की एक परिभाषा है, पहले उस परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए। आप फतवे की परिभाषा जानते नहीं है और फतवा करके जो है आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये जायज नहीं है। इस तरह से जो जारी करता है फतवा किसी की राय को नहीं कहते, फतवे की परिभाषा को जानने की कोशिश कीजिए। किसी एक इंडिविजुअल की राय को आप फतवा कह करके पूरे समाज को कटघरे में खड़ा न कर सकते, नहीं कर सकते, ये जायज नहीं है। इस तरह जिस बच्चे के बोले जा रहे, जिस बच्ची आप सुनते कहां है, अरे आपके सामने कोई बोल सकता है, को चुप करिए पहले। जिस बच्ची के पिता को इस्लाम में आस्था थी, मदरसों में आस्था थी, उस बच्ची के पिता ने उस बच्ची को मदरसे में पढ़ने भेजा, तो आपने इतने होने के बाद उस बच्ची के पिता को किसने धर्म में आस्था रखने की कोशिश की, उस बच्ची को मदरसे का पक्ष जान लिया क्या अपने मदरसे वालों का, क्या मामला क्या है? आप एक तरफा, दुनिया की कौन सी अदालत है जो एक तरफा एक आदमी की बात सुन रहे हैं फैसला से ज्यादा कर रहे हैं? नहीं, ये कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपको एक तरफा आप एक आदमी की बात सुनकर फैसला सुना देंगे और फिर अपने आपको कहेंगे कि बड़े सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कहाँ गई आपकी शिक्षा? अभी सब कहाँ गई आपकी सभ्यता? एक तरफा एक आदमी की बात सुनकर के कोई फैसला नहीं लगा सकते आप? सम्मान के साथ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, पहले पक्ष, पहले पक्ष मालूम कीजिए, आप गुस्से में आ जाए प्लीज। विजय शंकर तिवारी, सवाल आपसे है, मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। मैं अब ये कह रही हूँ, अब थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सत्ता जिसकी है उसे यहाँ पर बीड़ा उठाना होगा। सिर्फ नहीं कहा जा सकता है कि हम तो भैया सोच बदलने जा रहे थे, उन्होंने हमें रोक दिया। जनता ने किसे चुना है, बहुमत किसे दिया है, सरकार पर दबाव डालिए ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि सत्ता ने एक बड़ा काम लिया है। मुस्लिम समाज में महिलाओं के पास जो तीन तलाक का एक बड़ा अस्त्र उन पर काम कर रहा था, सत्ता ने दिखा दिया कि हम महिलाओं के लिए हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम वो काम करेंगे जो समाज के, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के, देश के हित में होगा। हम वो काम कर रहे हैं, उसमें वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने दुनिया को दिखाया, देश को दिखाया। लेकिन अभी एक बात आबिद साहब ने कही कि इस्लाम बड़ा सरल ऐसा है, तो मैं मान सकता हूँ। कैसे? कि जब व्यक्तिगत हित की बात होगी वहां शरिया की कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लेना मना है। बताइए कितने लोगों के बैंक में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। एक मिनट, जब व्यक्तिगत मामला आता है लेकिन जब देश और समाज की बात, वंदे मातरम भारत माता की जय, देश की बात होती वहां शरिया की बात मानते हैं। व्यक्तिगत हित से आगे कोई शरिया का मतलब नहीं है। बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, किस धर्म में क्या उसूल है, उस धर्म के क्या नियम है। हम यहाँ पर उस पर डिस्कशन के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं।
हर धर्म अगर हमें भेदभाव से दूर रखता है, आगे की राह दिखाता है, सच का साथ देने के लिए कहता है, तो वो हर धर्म है। किसी धर्म में कहीं पर कुछ भी गलत नहीं लिखा। आप सारे लोग कह रहे हैं कि साहब सत्ता को ये काम करना चाहिए, मैं पूछता हूँ कि क्या सरकार ने रोजगार, सेहत, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, अभी अमित शाह की एक जगह रैली थी, सारे मसले खत्म हो गए? अब सत्ता जो है वो धर्म के मामले में तय करने की बात कर रही है। वो कहीं गए हुए थे, आप जानते हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उन पर गुलाब के फूलों से बरसात की ताकि वो सब ताकि हुई होंगी वो सामने भी ताकि उन्हें खुशी थी कि तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार इस तरह से सामने आई। लेकिन लेकिन उन्हीं महिलाओं का दर्द दिखाई नहीं देता है। फिर मैं ना बोलूं या हम ना बोले कि ये कट्टरपंथी सोच है। जब औरतों की बात आती है तब तो औरतें खरीदी भी होती है। वो अभी इनका यही बयान। रहमान साहब बोलिए बोलिए बोलिए। आगरा गए थे जब अमित शाह। देखिए ये बहुत अच्छा मामला है, ट्रिपल तलाक का जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया उसका समर्थन हमने भी किया था, और उसके लिए मजाकिया जो एक कानून लाने जा रहे हैं उसका भी विरोध हमने किया था। ये डेमोक्रेसी के अंदर हमारा राइट बनता है। आपने तय कर लिया कि वो मजाकिया कानून है, पर आप झंडा गाड़ना चाहते हैं तो दीपिका पादुकोण की नाक काटने वालों का समर्थन किसने किया? आसिफा के मजाकिया कानून था, हालांकि आज मुद्दा ये नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, आपको समझ में नहीं आता है महिला की आजादी से जुड़ा कानून आता है? अपनी बात सामने रखिए, अपनी बात सामने रखिए ना। के लिए जो मां मर गई सीधे सीधे तौर पर खारिज कर दिया, मर गई उसकी पीड़ा सीधे तौर पर खारिज कर दिया। यशपा का नाम ले सीधे तौर पर खारिज कर दिया। यशपा का नाम ले, कौन सा समर्थन महिलाओं का आपका? सुनिए सुनिए सुनिए, अर्शपा का नाम ले रहे हैं। सुनिए सुनिए विजय शंकर तिवारी जी। हम सुन रहे हैं, मत नहीं कर रहे, हम तो सुन रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। अतीकुर रहमान कह दी ना आपने अपनी बात, लेकिन फिर भी कहीं बदलाव की कहीं वो सोच नजर नहीं आई, ये कह सकते कि नहीं किसने किया? कुछ तो बदलना यहाँ पर चाहिए। अंबर जैद अंबर जैद हम चाहते हैं महिलाओं को पूरी आजादी मिले, हर समाज हम चाहते हैं बेटियों के साथ भेदभाव ना हो, हम चाहते हैं वो भी खुले में सांस ले सके, हम चाहते हैं कि वो भी विकास की एक अलग इमारत लिख सके। अगर ये हम चाहते हैं ना तो गलत नहीं चाहते, पूरा हिंदुस्तान चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, गलत चाहते हैं क्या? कोशिश हो रही है, गलत चाहते हैं क्या? मुसलसल ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से एक खास कल्चर का रंग चढ़ाया जाए हर चीज पर हर जगह, किसी के लिए सारी तकलीफ हो रही है। खुदा के लिए इस देश की अनेकता में एकता को जो है बचा के रखिए। इस गुलशन में रंग बिरंगे फूल तरह तरह के हर तरह की खुशबू वाले हैं, कहने दीजिए आप इन सबको एक रंग का करना चाहेंगे, इस गुलशन की इतनी खूबसूरत बात आमिर साहब ने कही है, यहाँ पर हैसियत खत्म हो जाएगी। इतनी खूबसूरत बात कही है, ये खूबसूरत बात कभी मुझे सामने जमीनी तौर पर नजर नहीं आई। आप मेरे साथ आइए ना, जमीन तो आपको नजर आएगा। गलत है, गलत है। बोलिए बोलिए अंबर जैदी, कोई बीच में ना रोके। प्रॉब्लम कोई बीच में ना कि हम बैठकर बहुत बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन जमीन पर काम कौन करता है वहां पे पता चलता है। कोई काम नहीं करता, सभा के बहुत बड़ी बड़ी बात दे देते हैं, काम हम लोग करते हैं उसमें भी हमारे सवाल उठाते हैं कि एक्स वाई जी ने पैसे दिए और एक्स वाई जी ने सपोर्ट किया, लेकिन ग्राउंड पे जब काम करेंगे ना, जब जाएंगे आप स्लम में कम्युनिटी एरिया में, तब आपको पता चलेगा। आप जाके काम कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इनकी सोच बदलिए। सारे देश का एक मापदंड सामने रख लीजिए और आपको ध्यान में आ जाएगा जो लोग यहाँ बोल रहे हैं ये जमीन पर नहीं होता है। आप उस सारे के सारे मुस्लिम एरियाज में चले जाइए, कितने परसेंट उसकी मान्यता होगी। और अब चर्चा के आखिरी चरण में पहुंच गए, आप सभी से रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। देखिए हमें उस सोच को बदलना है जो सोच आजादी यानी कि महिलाओं की आजादी को लेकर आड़े आती है, क्योंकि सब हमारे देश का हिस्सा है। फिर आखिर ये सोच क्यों बार बार आड़े आती है, क्या ये सोच बदलेगी? अब मैं चाहूंगी कि कोई किसी को यहां पर टोके ना, ताकि आप सब अपनी बात चर्चा के आखिरी चरण में रख सके। क्या मदरसों की कट्टरपंथी सोच बदलेगी? अंबर जैदी। देखिए सबीना, इसकी शुरुआत
अंदर से होगी, अगर जो मदरसे के जिम्मेदारान लोग हैं, मौलाना लोग हैं, हम जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि उनको और टॉलरेंट बनना पड़ेगा। हम भारतीय हैं और हमें कहीं भी यहाँ पे अलग अलग धर्म जात और सभ्यता के लोग रहते हैं, हमें एक कोएग्जिस्ट करने के लिए थोड़ा एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे की चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है इंडियन मुस्लिम को, वैसे भी कंपेरेटिवली इंडियन मुस्लिम जो है वो और जो दुनिया भर में मुसलमान है उनके मुकाबले में काफी टॉलरेंट है, लेकिन मुझे लगता है और ज्यादा टॉलरेंट बनना है। माया सिंह जी, देखिए सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती और सबकी सोच एक जैसी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सोच एक आजादी में आए, एक मदरसे से जुड़ा है और यहाँ पे दो मुस्लिम भाई बैठे हैं, उन्होंने उसका खंडन किया, ये बहुत अच्छी बात है। जिस बंदे पर हम बैठे हैं उस बच्चे के लिए उस बात का खंडन किया, वो गलत है। अगर आप मानते हैं गलत है तो आप एक बहुत सम्मानित पदों पे हैं, उस मदरसे के खिलाफ आप कार्रवाई का उचित प्रावधान लाएं, उस बच्चे को इंसाफ दिलाएं, और वो व्यक्ति के पिता के, जो उस बच्चे का पिता था, उसको मदरसे में आस्था है, तो ऐसा मत कीजिए कि आप अपने मुस्लिम समुदायों की भावनाओं को आहत करें कि जिस व्यक्ति को आपके धर्म में एक होके आस्था है कि आप अपने धर्म के खिलाफ ही इस तरह की जारी करते हैं, और वो कुछ विशेष वर्ग के अनपढ़ गवार लोग ज्यादा करते हैं। वो सोच कब बदलेगी जो सामने आ जाती है और कहती है कि नहीं, यहां से तो आगे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सोच तो बरसों से चली आ रही है और ये आज भी ऐसी रहेगी। बदलाव सबसे बड़ा नियम, लेकिन यहाँ बदलाव नहीं। हिंदू समाज में महिलाओं को, नारी को सर्वशक्ति रूपा कहा गया है, सबसे शक्ति संपन्न उसको कहा गया है, लेकिन बहुत सारी कमियां वहां भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उन कमियों के सुधार के लिए हम कृतिबद्ध हैं। उन कमियों को सुधार के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको दुत्कारते नहीं है, पीछे भगाते नहीं है, हम उसके साथ खड़े होकर के उस सुधार की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अपनी ही बहने हैं, ये भी अपनी ही बहने, तो चलिए हम सबके लिए, मेरे ख्याल से ये हिंदू महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं, इनके अधिकार ज्यादा कम, ऐसा कुछ नहीं। जिन परंपराओं को मैं जानता हूँ, जिनको जानता नहीं हूँ, लेकिन कह रही हूं कि ये सब हमारे लिए बराबर है। आबिद साहब, जब तक बराबरी नहीं सोचेंगे ना, तब तक हम इसी में फंसे रहेंगे, कौन सा धर्म किसका है, किस धर्म के क्या रूल रेगुलेशन है। सोच थोड़ी तो वक्त के साथ बदलनी ही चाहिए। देखिए शबीना, वक्त के साथ जो जरूरतों की सोच होती है वो अपने आप बदलती रहती है, उसमें किसी को कहने और करने कराने की जरूरत नहीं होती, ना दबाव बनाने की जरूरत होती। रही बात ये रह जाती है कि दीन और धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म का मसला हो, चाहे मुसलमान धर्म का हो, या ईसाइत का हो, क्रिश्चियनिटी का, हर धर्म के अपने कुछ जाबते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, वो उनके मुताबिक ही उन पर रहेंगे। उनमें अगर हम ज़बरदस्ती ये करें कि नहीं साहब इनको बदल दीजिए आप, तो जो चीज़ें अलाउड नहीं की जा सकती किसी धर्म में, किसी दीन में, तो उस पर जो है ज़बरदस्ती हमें इसरार नहीं करना चाहिए, और जिन चीजों की गुंजाइश है उन पे जबरदस्ती अकड़ के खड़ा नहीं होना चाहिए। रहमान साहब, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मेरी सोच से ही आपकी सोच यहाँ पर तारुफ रखे, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी और आपकी सोच, आपकी और बाकियों की सोच एक हो जाए, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चियों के भविष्य के लिए ये बेहद जरूरी है। लास्ट रिएक्शन जल्द। मैं समझता हूँ सबसे जरूरी चीज है के धर्म को, हमको पर्सनल मामला जो हमारा है, इसको जब तक हम दूसरों पे थोपना बंद नहीं करेंगे, जब तक के धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, ये समस्या बढ़ती चली जाएंगी। पॉलिटिसाइजेशन, ये सोशल अफेयर्स का जो होता है, ये सबसे बड़ा इसके अंदर रुकाव होता है। कोई भी सोच जो होती है वो बुनियादी होती है, इस बुनियादी सोच के अंदर जब राजनीति घुसती है तो मत घुसने दीजिए रहमान साहब, मत घुसने दीजिए, हम तो यही कह रहे हैं ना, मत घुसने दीजिए राजनीति को या किसी और को, क्या पर्सनल है ये, तो हम सबका मामला हो गया ना। हम कह रहे हैं कि धर्म हमारा पर्सनल विषय है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो किसी को तकलीफ दे वो धर्म से नहीं जुड़ी, क्योंकि धर्म तकलीफ का संदेश देता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आज के एजेंडा में जो हमारा सवाल था, क्या मदरसों के कट्टरपंथी सोच बदलेगी, वो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, ट्विटर यहाँ पर खुला हुआ है, कहा नहीं, 73% लोगों का मानना है कि ये सोच नहीं बदल सकती, लेकिन 20% लोगों का मानना है कि हाँ ये सोच बदल सकती है। उम्मीद है ये परसेंटेज एक दिन बढ़कर 100 तक पहुंचेगा और कहेंगे कि हाँ ये सोच बदल सकती है। फिलहाल इतना ही, आगे भी देखते रहिए जी हिंदुस्तान।